So in this video we will study about the stone masonry, the types of stone masonry, and the comparison between the brick masonry and the stone masonry. So these are some of the structures which are made up of the stone. These are some of the stone masonry structures. So Taj Mahal hai, jaise Qutub Minar hai, Gateway of India hai, aise Pakistan mein bhi bahut sare structures hain wo stone masonry ke construct kiye hue hain, just like this Mausam Shah Minar, which is constructed in Sakhar. This is also a stone masonry structure. ऐसे ये structure है Sakhar में, that is also Sakhar Arwadi में, that is also constructed of stone masonry. And ऐसे बहुत सारे structures हैं जो stone masonry के constructed हैं. So we will study the general principles of stone masonry, then the types of stone masonry, and the what is difference between stone and brick masonry, and superior of the brick masonry, वो हम बाद में पढ़ेंगे. जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं भाई? जनरल प्रिंसिपल्स सिंपली इसको ये समझ लें कि भाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टोन्स टू बी यूज्ड इन दी स्टोन मेसनरी, कौन से टाइप ऑफ स्टोन हम यूज़ करें, ये है इसके जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है. फर्स्ट में जो बात कर रहा है कि भाई दी स्टोन्स शुड बी यूज्ड फॉर स्टोन मेसनरी शुड बी दी शुड बी हार्ड, टफ एंड ड्यूरेबल. ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हैं, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जैसे डक्टिलिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गई, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, ड्यूरेबिलिटी, टीसी, बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हैं. अगर नहीं है आपको एग्जैक्टली याद तो इसको आप रिवाइज कर लें, ये बहुत काम की चीज़ें आपके लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल. लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ हार्डनेस क्या है, टफनेस क्या है, एंड ड्यूरेबिलिटी क्या है. हार्डनेस इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटीरियल टू स्क्रैच और दी टू स्क्रैच. एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल अगर नेल से आप इसको स्क्रैच करोगे किसी भी मटीरियल को और वहाँ पर स्क्रैचेस आ जाएँ तो वो हार्ड, कम हार्ड मटीरियल होगा. अगर उसको आप नेल से स्क्रैच करो और उसमें स्क्रैच ना आए तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मोस्ट हार्ड मटीरियल. जैसे गिलास होता है, दैट इज द हार्ड मटीरियल. जैसे डायमंड है, डायमंड के ऊपर अगर आप नेल से स्क्रैच करोगे तो वो उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, दैट इज द हार्डेस्ट मटीरियल. सो हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटीरियल टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्क्रैच, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्क्रैच. टफनेस क्या है? Toughness is the property of material which provides resistance of breakage against sudden compressive forces. Sudden compressive forces या dynamic forces जैसे आप उसमें apply करें किसी भी material में और वो उसके लिए resistance provide करें तो उस material को हम कहेंगे the tough material. Hardness property of aggregates actually check करते हैं हम Los Angeles vibration test से. Los Angeles vibration test है, Devil and Derry vibration test है, लेकिन पाकिस्तान में Los Angeles vibration test बहुत फॉलो होता है. टफनेस ऑफ एग्रीगेट हम चेक करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट से, इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट है. सो टफ मटीरियल जो भी होते हैं, बहुत सारे टफ मटीरियल हैं. अच्छा, टफ मटीरियल के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हार्ड मटीरियल फॉर एग्जांपल ये जो नॉर्मली आप ग्लास यूज़ करते हो, शीशा यूज़ करते हो, उस वक्त जब यूनिवर्सिटी जाते हो तो शीशा देख के ही जाते हो आप लोग, तो वो जो शीशा है एक्चुअली दैट इज़ हार्ड मटीरियल, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप नेल से स्क्रैच मारोगे तो वो उसमें कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा, तो उस वो मटेरियल हार्ड मटेरियल. लेकिन उसी जगह पर सेम ग्लास जब आप किसी भी गाड़ी में यूज़ करते हो, किसी भी गाड़ी में जो ग्लासेस यूज़ हुए होते हैं, स्पेशली दी विंड स्क्रीन ग्लास, विंड स्क्रीन जो ग्लास होता है उसको वो फाइबर रिइंफोर्स करते हैं और उसकी जो टफनेस है उसको स्ट्रांग बना देते हैं. ठीक है, तो वो जो विंड स्क्रीन मटीरियल है वो स्ट्रांग हार्ड भी मटीरियल होता है और टफ भी मटीरियल होता है, क्योंकि जो सिंपल गिलास है जो आप सुबह को देख के आते हो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी हथौड़ा मारोगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसके बरक्स जो विंड स्क्रीन गिलास होता है उसमें अगर आप हथौड़ा मारोगे तो वो टूटेगा नहीं, उसमें थोड़े फ्रैक्चर्स आ जाएंगे लेकिन वो टूटेगा नहीं, बिकॉज उसकी जो रिइंफोर्स करके उसका जो टफनेस है उसको इम्प्रूव किया जाता है. सो हार्डनेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, टफनेस भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और उसके बाद है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मटीरियल या साउंडनेस ऑफ दैट मटीरियल इज सेम थिंग. Durability or soundness is the resistance of any material to weathering actions. Weathering actions कौन कौन से हो सकते हैं भाई? रेन हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, फ्रीज एंड था कंडीशंस हो गए, ETC, ड्राई कंडीशन, सन, ETC, डिफरेंट कंडीशंस जो भी वेदरिंग से रिलेटेड हैं उनको हम कहेंगे उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज द ड्यूरेबल एग्रीगेट या ड्यूरेबल स्टोन या द साउंड स्टोन. सो ये चीज़ें होंगी, हार्ड होना चाहिए स्टोन, टफ होना चाहिए और दी ड्यूरेबल होना चाहिए. दीज आर दी दीज आर फर्स्ट एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ दी स्टोन. सेकंड इज द स्टोन शुड बी परफेक्टली ड्रेस्ड एज पर दी रिक्वायरमेंट्स. ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स जो है वो आपने पहले ही पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मटीरियल्स में या सिविल इंजीनियरिंग मटीरियल्स में, जिसकी डेफिनेशन क्या थी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द स्टोन्स
into a required shape and size, that is called as, with the help of hammer and chisel, that is called as dressing of stone. Query से जो भी हमारे पास undressed या not properly shaped stones आए उसको हम with the help of the hammer and chisel हम उसको cut करें into a required shape and size, तो उस process को हम कहेंगे dressing of stone. So proper shape and proper size में अगर stones को हम bring कर रहे हैं with the help of chisel and the hammer, that is called as the dressing of stone. ये जो second point है सिर्फ और सिर्फ एक type of masonry है, that is ashlar masonry, उसके लिए ये suitable है. Okay, third point is the mortar to be used should be of good quality. लाजमी है जो भी mortar आप use करोगे good quality हो, उसकी good bonding हो, जैसे reinforced brick masonry में आप use करते हो. उसके बाद है as possible stones and small stone chips should not be used. ठीक है, the properly weighted stones should be used to avoid the mortar moisture being sucked. जैसे brick masonry में होता है तो bricks को हम properly weight करते हैं before using. तो इसी तरीके से जब हम स्टोन मेसनरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो स्टोन्स को भी हम प्रॉपरली वेट करते हैं, उनको क्योर करते हैं, उनके ऊपर पानी फेंकते हैं या पानी से तराई करते हैं ताकि वो बिल्कुल गीले हो जाएं, और फिर उसको हम मोर्टर के साथ यूज़ करते हैं. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो ड्राई स्टोन्स होंगे या ड्राई ब्रिक होगा, और उस वो क्या करेगा, जो मोर्टर है उसका जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बांड फिर अच्छा नहीं बन पाएगा मोर्टर और जो भी मेजनरी आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ. सो जो स्टोन मेजनरी स्टोन्स यूज़ कर रहे हो दैट शुड बी प्रॉपरली वेटेड स्टोन्स. Okay, next is joints must be maintained of uniform thickness and its minimum norm proper one should be maintained throughout. For alternative courses, joints must be maintained simply. Large fillet stone should be used below seat of girder trusses for distribution of point load on wider construction area etc etc. जब भी आप stone masonry structure construct कर रहे हो उसके ऊपर आपने girders देना है या trusses देने हैं तो आपको लाजमी large fillet stones use करने हैं उसके नीचे, ताकि अगर फ्लेट स्टोन्स यूज़ नहीं करोगे तो हो सकता है वो गर्डर एंट्रेसेस अपने पॉइंट से थोड़े हिल जाएं, ये मूव कर जाएं लोड आने से. इसलिए हम फ्लेट स्टोन्स लार्ज फ्लेट स्टोन्स यूज़ करते हैं ताकि वो जो गर्डर एंट्रेसेस हैं अपने जगह पर स्टेबल रहें, नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. सो दैट इज़ द पॉइंट. अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन मेसनरी की तरफ. स्टोन मेसनरी के डिफरेंट टाइप्स हैं, जस्ट लाइक रबल मेसनरी, एशलर मेसनरी. सो ये देख लें, रबल मेसनरी के डिफरेंट ये टाइप्स होते हैं, एशलर मेसनरी के ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं. पहले आते हैं रबल मेसनरी के टाइप्स की तरफ, उसके बाद हम एशलर मेसनरी की टाइप की तरफ आते हैं. पहले ये मैं बता दूं आपको कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रबल एंड एशलर मेसनरी. रबल मेसनरी इज द टाइप ऑफ मेसनरी इन व्हिच अनड्रेस्ड स्टोन्स आर यूज्ड which are not of the proper shape and size. Irregular shape या irregular size के stone अगर use करें किसी भी masonry में तो उसको हम कहेंगे rubble masonry. वो stone masonry structure जिसमें irregular shape and size के stones use किए गए हों तो उसको हम rubble masonry कहेंगे. और वो type of stone masonry जिसमें हम regular shape और size के stones use करें तो उसको हम कहेंगे ashlar masonry. Regular shape, regular size के या properly dressed stones use किए गए हों तो उसको हम कहेंगे ashlar masonry. Rubble masonry के different types हैं, जैसे ये है uncoast rubble masonry etc etc. ये next slide में मैं आपको समझाता हूँ. अच्छा, ये चीज़ एक चीज़ मैंने यहाँ पर हार्डनेस में नहीं बताया. हार्डनेस इज आल्सो द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचिंग द एब्रेशन एंड वियर एंड टीयर. ये तीनों चीज़ें आप बोल सकते हो, एब्रेशन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, वियर एंड टीयर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें एंड स्क्रैच से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें तो उसको हम हार्ड मटीरियल बोलेंगे. और वही चेक करते हैं, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट्स हम चेक करते हैं दी लासेंगर सेब्रेशन टेस्ट से. बाकी हार्डनेस ऑफ जो आपके डिफरेंट मटेरियल हैं जैसे लाइक डायमंड हो गया या ग्लास मटेरियल है वो हम स्क्रेच से चेक करते हैं, नेल से उसको उसके ऊपर स्क्रेच मारते हैं, वो स्क्रेच बना ये क्वांटिटी ऑफ इम्पेक्ट ऑफ स्क्रेच देखते हैं, उसके उसके हिसाब से उसको रेट करते हैं. ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट द रबल मेसनरी. रबल मेसनरी होता क्या है? रबल मेसनरी क्या है? द स्टोन्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस कैटेगरी आर आइदर रफ और अनड्रेस्ड स्टोन्स. द मेसनरी हैज अ वाइडर चयन सिंस स्टोन्स ऑफ रेगुलर शेप एंड साइजेस आर यूज्ड. जैसे ये फिगर में दिखाई दे रहा है, दिस टाइप ऑफ स्टोन मेसनरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रबल मेसनरी. अब है नेक्स्ट टाइप ऑफ मेसनरी, दैट इज एशलर मेसनरी. एशलर मेसनरी में मैंने आपको पहले बताया
The stones which are used in this category are accurately traced. The blocks may be of either square or rectangular. The masonry has very fine joints of either 3 millimeter, क्योंकि regular shape and size के stones use होते हैं, तो इसमें wider joints नहीं होते. उसमें जो rubble masonry है उसमें wider joints use होते हैं. तकरीबन thickness of joints ज़्यादा होता है और इसमें fine joints use होते हैं ashlar masonry में, और तकरीबन 3 millimeter thickness is enough for this. It is the highest grade of masonry masonry work and it's very कॉस्टली. एशलर मेजनरी हाईएस्ट ग्रेड ऑफ मेजनरी है इस, और ये कॉस्टली भी होता है क्योंकि इसमें प्रॉपरली ड्रेस्ड स्टोन्स, प्रॉपरली शेप एंड साइज के स्टोन्स हम यूज़ करते हैं. ठीक है, अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबल मेजनरी और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एशलर मेजनरी के ऊपर. अनकोस्ट, अब रबल मेजनरी है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे अनकोस्ट रबल मेजनरी, अनकोस्ट रैंडम रबल मेजनरी, कोर्स स्क्वायर रबल मेजनरी, पॉलीगोनल रबल मेजनरी, फ्लैट रबल मेजनरी, ड्राई रबल मेजनरी. इन सारे जो भी टाइप्स ऑफ रबल मेजनरी हैं इसमें एक जो डेफिनेशन होगा स्टार्टिंग वाली लाइन, तो वो तो कॉमन होगी. वो क्या होती है? द टाइप ऑफ मेजनरी इन विच द रेगुलर शेप एंड साइज ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड दैट आर कॉल्ड एज द रबल मेजनरी स्ट्रक्चर. और उसके बाद जो है अनकोस्ट है, कोस्ट रैंडम रबल मेजनरी है, कोस्ट स्क्वायर रबल मेजनरी है. ये भी इनके इसके डेफिनेशन में आ जाएगा. इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फॉर एग्जांपल अगर हम अनकोस्ट रबल मेजनरी यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अनकोस्ट रबल मेजनरी, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या हो जाएगी कि भाई द टाइप ऑफ स्टोन मेजनरी इन विच इरेगुलर शेप एंड साइज स्टोन्स आर यूज बट इन नॉट प्रॉपरली कोर्स. कोर्स तो आपने ब्रिक मेसनरी में पढ़ा होगा कैसे होता है कि उस कोर्स को क्या डिफाइन करते हैं. ईच लेयर ऑफ मेसनरी इज कॉल्ड एज कोर्स. ब्रिक मेसनरी में कैसा करते थे हम, एक लेयर ऑफ ब्रिक बिछा दिया तो उसको हम कोर्स बोलेंगे, फिर दूसरा लेयर ऑफ ब्रिक बिछा दिया तो उसको हम बोलेंगे सेकंड कोर्स. सो ब्रिक मेसनरी जो होती है ना वो प्रॉपरली कोर्स्ड मेसनरी होती है. और जो रैंडम रबल मेसनरी में आप अनकोस्ट रबल मेसनरी यूज करते हो उसमें सिंपली कोर्सेस प्रॉपरली नहीं होते हैं, लाइन में नहीं होते हैं. और जैसे सेकंड टाइप ऑफ मेसनरी है कोस्ट रैंडम रबल मेसनरी या कोस्ट स्क्वायर रबल मेसनरी, इसमें क्या होता है रबल मेसनरी यूज करते हैं, रेगुलर शेप एंड साइज के स्टोन यूज करते हैं लेकिन उसको प्रॉपरली कोर्स में मेंटेन करते हैं. कोस्ट रैंडम रबल मेजनरी में क्या है कि कोई भी क्वेरी से हम स्टोन्स लेके आते हैं और उसको सिंपली प्लेस कर देते हैं लेकिन कोर्सेज में प्लेस करते हैं. और कोस्ट स्क्वायर रबल मेजनरी में क्या करते हैं, हम प्रॉपरली स्क्वायर शेप के या रेक्टेंगुलर शेप के स्टोन से यूज करते हैं और उसको हम प्रॉपरली कोर्स में प्रोवाइड करते हैं और हाइट ऑफ ईच कोर्स इज मेंटेन कॉन्स्टेंट इन कोस्ट स्क्वायर रबल मेजनरी. उसके बाद पॉलीगोनल रबल मेजनरी, इन दिस टाइप ऑफ मेजनरी दी पॉलीगोनल शेप स्टोन्स आर यूज, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पॉलीगोनल रबल मेजनरी. में फिगर आपको दिखाता हूं इसमें. उसके बाद है फ्लंट रबल मेजनरी. फ्लंट रबल मेजनरी में जो राउंड शेप स्टोन्स होते हैं ना, जो तकरीबन सीशोर में नहीं, जो पहाड़ होते हैं इलाके होते हैं नॉर्दर्न एरिया साइड इलाके हैं, वहाँ पर जो राउंड शेप ऑफ एग्रीगेट्स होते हैं उनसे अगर हम मेसनरी बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लंट रबल मेसनरी. इसका भी मैं आपको स्केच दिखा दूँ तभी आपको क्लियर होगा. उसके बाद है ड्राई रबल मेसनरी. ड्राई रबल मेसनरी सिंपल टाइप ऑफ मेसनरी विच वी डू नॉट प्रोवाइड मॉर्टर जॉइंट्स. हम मॉर्टर यूज़ नहीं करते, सिंपली हम जो स्टोन्स होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते जाते हैं और इस तरीके से वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं. और वॉल की हाइट भी हम कांस्टेंट रखते हैं, तकरीबन 2 मीटर से ज़्यादा उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए या 3 मीटर से. सो वन बाय वन मैं आपको दिखाता जाता हूँ ये अनकोस्ट रबल मेसनरी. जैसे ही आप फिगर देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा. उसके बाद एशलर मेसनरी है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले इनको पढ़ लेते हैं. अनकोस्ट रबल मेसनरी, दिस इज एक्चुअली अनकोस्ट रबल मेसनरी. देखें इरेगुलर शेप एंड साइज ऑफ स्टोन्स यहाँ पर यूज़ किए गए और इसमें ये कोर्स मेंटेन नहीं है. यहाँ पर देखें कोई कोर्स मेंटेन है नहीं, कोर्स कोई भी मेंटेन नहीं है. एक फर्स्ट कोर्स हो, सेकंड कोर्स हो, थर्ड कोर्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. अनकोर्स्ड लगा पड़ा है यहाँ पर जो मेसनरी है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अनकोर्स्ड रबल मेसनरी. उसके बाद है भाई कि दूसरा टाइप ऑफ स्टोन दैट इज, इसके शुरू में पढ़ लेते हैं इसको. The cheapest type of stones are used in this stone masonry structure. Poorest form of stone masonry structure stones are used in this type are badly of different sizes. Irregular shape and size stones are used, just obtained from quarry and removing the weak corners and the edges by hammer that are used in uncoarse rubble masonry. यहाँ पर देखें ना, जैसे ही quarry से stones आए वही तकरीबन use किए गए हैं, that is called as uncoarse rubble masonry. उसके बाद है coast random rubble masonry. Coast random rubble masonry में क्या होता है, वही जो uncoarse रबल मेजनरी में स्टोन्स यूज़ किए हैं उसको प्रॉपरली कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनकोस्ट रैंडम रबल मेजनरी. एंड यहाँ पर स्केच है, इसके स्केच आप देख लें.
दिस इज द स्केच ऑफ कोस्ट रैंडम रेवल मेसनरी। देखें यहाँ पर इसके जो हाइट है वो कांस्टेंट नहीं है, कोस का जो हाइट है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखें ये इस कोर्स का हाइट थोड़ा लंबा है, इसका उसका हाइट बहुत कम है, इसका फिर इस वक्त ज़्यादा हो गया, इसका थोड़ा कम है। सो हाइट ऑफ कोर्स इज नॉट कीप कांस्टेंट इन कोस्ट रैंडम रबल मेसनरी। सो दिस टाइप ऑफ मेसनरी इज कॉमनली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लो हाइट वाइल्स पब्लिक बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग। द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस एक्सेप्ट दैट कोर्सेज आर लेवल्ड। ठीक है ना, प्रीवियस जो अनकोर्स रबल मेसनरी है उसकी तरह ही है, लेकिन इसमें कोर्सेज को हम लेवल्ड बना देते हैं। ठीक है, बाकी सेम चीज़ है। एड्रेस स्टोन्स आर अलाउड अबाउट रेगुलर इंटरवल इन ईच कोर्सेज। जो स्ट्रेचिंग स्टोन्स हैं, स्ट्रेचर स्टोन्स हैं, उनके बाद हम हेडर स्टोन्स प्रोवाइड करते हैं इसमें, इस टाइप ऑफ कोर्स में। उसके बाद है कोर्स स्क्वायर रबल मेसनरी। कोर्स स्क्वायर रबल मेसनरी सिंपली जो स्क्वायर शेप ऑफ स्टोन्स होते हैं या रेक्टेंगुलर शेप ऑफ स्टोन्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, और लेकिन द हाइट ऑफ कोर्स इज केप्ड कांस्टेंट। इसमें हम हाइट ऑफ कोर्स कांस्टेंट नहीं रखते, लेकिन इसमें कोर्स स्क्वायर मेजरेबल मेजरिंग में हाइट कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, स्टोन सिंप्लाइड इन ईच कोर्स आर ऑफ इक्वल हाइट। ये है स्केच। देखें इस स्केच में ये फर्स्ट कोर्स, देखें ये फर्स्ट कोर्स है फॉर एग्जांपल, इस कोर्स की हाइट आपको सेम दिखाई देगी। ये सेकंड कोर्स है तो इसमें हाइट आपको सेम दिखाई देगी। ये थर्ड कोर्स है तो फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, तीनों की हाइट या सारे जो भी टाइप कोर्सेज हैं उसकी हाइट आपको सेम दिखाई देगी। सो दैट इज कॉल्ड एज द कोस्ट स्क्वायर रबल मेजरिंग। इसमें भी देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट कोर्स है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकंड कोर्स है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थर्ड कोर्स है। इस तरीके से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्थ कोर्स है। तो हर टाइप ऑफ कोर्स का जो हाइट है वो कांस्टेंट है। ये मेन पॉइंट है इस कोस्ट स्क्वायर रबल मेसनरी में। उसके बाद है पॉलीगोनल रबल मेसनरी। इसमें मैंने आपको बताया था कि भी पॉलीगोनल शेप के स्टोन्स यूज़ करते हैं, इरेगुलर पॉलीगोनल शेप के स्टोन्स यूज़ करते हैं। एंड दीज आर एक्चुअली स्टोन्स शुड बी सो अरेंज एज टू अवॉइड लॉन्ग वर्टिकल जॉइंट्स इन फेस वर्क एंड टू ब्रेक जॉइंट्स एज मच एज पॉसिबल। ये टाइप ऑफ स्टोन्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं दैट आर कॉल्ड एज पॉलीगोनल टाइप ऑफ स्टोन्स, और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लू पॉलीगोनल रबल मेसनरी स्ट्रक्चर। उसके बाद है फ्लिंट रबल मेसनरी स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया था कि राउंड शेप ऑफ स्टोन्स हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर फ्लिंट ज़्यादा अवेलेबल हो। फ्लिंट मीन्स दी राउंड शेप स्टोन्स, जहाँ ज़्यादा अवेलेबल होते हैं वहाँ पर ये फ्लिंट रबल मेसनरी एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दिस इज एक्चुअली ऑफ दिस शेप। ये देखें ये जो राउंडर स्टोन्स हैं, ये राउंडर स्टोन्स हैं, ये राउंडर स्टोन्स हैं, ये राउंडर स्टोन्स को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं फ्लिंट रबल मेसनरी स्ट्रक्चर सिंपली। उसके बाद है ड्राई रबल मेसनरी स्ट्रक्चर या ड्राई रबल मेसनरी। ड्राई रबल मेसनरी मैंने आपको क्या कहा था कि द टाइप ऑफ मेसनरी इन विच नो एनी मॉर्टर जॉइंट इज प्रोवाइडेड दैट इज कॉल्ड एज ड्राई रबल मेसनरी। और सिंपली हम एग्रीगेट्स सॉरी द स्टोन्स को हम प्लेस करते हैं दैट आर कॉल्ड एज ड्राई रबल मेसनरी। सेम है, दिस टाइप ऑफ मेसनरी इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स इन द एग्रीगेट लैंड पिचिंग अदरडेम सिटीज ईटीसी। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज द चीपेस्ट एंड रिक्वायर्स मोर स्किल्स इन कंस्ट्रक्शन। इट एक्चुअली रिक्वायर्स मोर स्ट्रिक्स स्किल इन कंस्ट्रक्शन बिकॉज वी डू नॉट प्रोवाइड दी मोटर जॉइंट्स। मोटर जॉइंट नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से हम उनको प्लेस करना होता है स्टोन्स को कि वो कुछ हाइट तक वो कांस्टेंट रहें और वो गिरे वगैरह नहीं। वहाँ पर देखें ना, ये इस टाइप ऑफ मेजनरी को हम कहते हैं ड्राई रबल मेजनरी, और इसको इस तरीके से वो जो मेजन होते हैं वो प्लेस करते हैं ताकि ये गिरे वगैरह नहीं। और इसमें अगर जो अनएक्सपीरियंस्ड लेस एक्सपीरियंस्ड मेजन अगर होंगे ना वो इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। जस्ट लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ड्राई रबल मेसनरी। सो दिस इज ड्राई रबल मेसनरी एक्चुअली। सो ये सारे टाइप्स ऑफ रबल मेसनरी हमने पढ़ लिए। रबल मेसनरी के हमने अनकोस रबल मेसनरी पढ़ा, फिर रैंडम रबल मेसनरी, कोस्ट रैंडम रबल मेसनरी पढ़ा, कोस्ट स्क्वायर रबल मेसनरी पढ़ा, फ्लिंट रबल मेसनरी, पॉलीगोनल रबल मेसनरी एंड ड्राई रबल मेसनरी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबल मेसनरी पढ़े। अब आते हैं एशनलर मेसनरी की तरफ। एशनलर मेसनरी के ये डिफरेंट टाइप्स हैं, एशनलर फाइन, एशनलर रफ, एशनलर रॉक एंड क्वारी फेस्ड ईटीसी। पहले आते हैं एशनलर फाइन की तरफ। दिस इज एक्चुअली द फाइनेस्ट टाइप ऑफ द एशनलर मेसनरी। एशनलर मेसनरी एक्चुअली है क्या है भाई, द टाइप ऑफ मेसनरी इन विच फाइन शेप ऑफ स्टोन्स आर यूज, द रेगुलर साइज एंड रेगुलर शेप स्टोन्स आर यूज दैट आर कॉल्ड एज द एशनलर मेसनरी, और द टाइप ऑफ स्टोन मेसनरी इन विच प्रॉपरली ड्रेस्ड स्टोन्स आर यूज दैट आर कॉल्ड एज द एशनलर आर एशनलर मेसनरी। सो एशनलर फाइन तो वो इस स्टोन मेसनरी है जिसमें बिल्कुल फाइन मटीरियल या फाइन टाइप ऑफ या हाइएस्ट गुड क्वालिटी एशलर स्टोन्स आर यूज दैट इज कॉल्ड एज एशलर फाइन मेसनरी। जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल रेगुलर शेप के, रेगुलर साइज के स्टोन्स यूज हों दैट इज कॉल्ड एज दिस टाइप ऑफ मेसनरी विल बी कॉल्ड एज एशलर फाइन स्टोन मेसनरी।
The height is kept constant. The stones are generally laid as a header and a stretcher. Alternatively, the bed and side joints in this type should never exceed 5 mm in the thickness. अच्छा ये जो फिगर है इसमें यहाँ पर हेडर प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन ये एशलर फाइंड में हम स्ट्रेचर के बाद हेडर प्रोवाइड करते हैं, जैसे इस फिगर में है ना, ये फॉर एग्जांपल स्ट्रेचर हो गया तो इसमें हेडर प्रोवाइड किया, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, स्ट्रेचर, ये ऐसे समझो फ्लेमिश बांड हो गया, फ्लेमिश बांड तकरीबन प्रोवाइड करते हैं एशलर फाइन मेसनरी में। उसके बाद है एशलर रफ। एशलर रफ में रफ फाइन चीजल ड्राफ्टिंग स्टोन्स यूज करते हैं। दिस टाइप द एक्सपोज फेस शुड हैव अ फाइन चीजल ड्राफ्टिंग, द थिकनेस ऑफ मॉर्टर डज नॉट एक्सीड 6 मिलीमीटर, द साइज एंगल साइज इज इट इज मेंटेन इन ऑर्डर सिमिलर टू दैट ऑफ द ड्रेस्ड एशलर, इट इज नोन एज बस्टर्ड एक्चुअली एशलर एंड दिस इज द स्केच ऑफ दिस एशलर टूल्ड, एशलर रफ टूल्ड। इसमें थोड़े रफ टाइप ऑफ स्टोन्स यूज होते हैं लेकिन दैट आर ऑफ रेगुलर शेप एंड साइज, यहाँ पर देखें रेगुलर साइज के स्टोन, आइदर रेगुलर शेप और रेगुलर साइज स्टोन्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। सो दिस टाइप ऑफ स्टोन मेजनरी इज कॉल्ड एशलर रफ टूल्ड। उसके बाद है एशलर शेम्फर्ड मेजनरी। शेम्फर्ड मेजनरी आपको यहाँ पर फिगर में क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप ऑफ स्टोन हम अगर हम प्रोवाइड करें तो दैट इज कॉल्ड एज एशलर शेम्फर्ड, जिसमें हम कुछ डिग्रीज देके उसको प्रोजेक्टेड बना देते हैं स्टोन्स को और उसका लुक बहुत अच्छा बन जाता है। दिस टाइप ऑफ स्टोन मेजनरी इज कॉल्ड एज एशलर शेम्फर्ड मेजनरी। और ये तकरीबन जो मेजनरी होती है ये कॉमनली जो क्वाइन ब्रिक्स होते हैं या क्वाइन क्वाइन वाल होते हैं वहाँ पर ये तकरीबन यूज होता है। क्वाइन होता है QUIN, मैंने आपको पहले बताया था। क्वाइन इज द टाइप ऑफ द ब्रिक आर स्टोन यूज इन द कॉर्नर ऑफ द वाल दैट इज कॉल्ड एज क्वाइन। सो यहाँ ये जो शेम्फर्ड ब्रिक्स होते हैं स्टोन्स होते हैं ना इनको हम क्वाइंस में यूज करते हैं एक्चुअली। शेम्फर्ड मेजनरी इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेजनरी इन व्हिच एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड डेप्थ 20 मिलीमीटर अराउंड द पेरिमीटर ETC। दिस टाइप ऑफ मेजनरी इज कॉल्ड एज एशलर शेम्फर्ड मेजनरी। उसके लिए बात है एशलर फेसिंग। एशलर फेसिंग इज द टाइप ऑफ मेजनरी इन विच वी प्रोवाइड गुड क्वालिटी एंड द एशलर स्टोन्स इन द फेसिंग। बाकी बेकिंग में आप कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हो इसके, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, फेसिंग में इन्होंने ये शेम्फर्ड टाइप ऑफ स्टोन्स यूज किए हैं। बाकी बेकिंग में ब्रिक्स भी यूज कर सकते हो, स्टोन्स भी यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक ये देखें इसमें शेम्फर्ड ब्रिक्स यूज किए गए हैं लेकिन यहाँ पर स्टोन्स यूज किए गए हैं। सो एशलर फेसिंग में आप स्टोन मेजनरी यूज करो, बेकिंग में कुछ भी यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज एशलर फेसिंग। उसके बाद है एशलर रॉक क्रस्टिंग एंड क्वारीफेस्ड स्टोन्स। इन दिस टाइप ऑफ एशलर मेजनरी सिमिलर टू द रफ टूल टाइप ऑफ स्टोन मेजनरी एक्सेप्ट दैट देयर इज चिजल ड्राफ्टेड मार्जिन लेफ्ट रफ ऑन द फेस व्हिच इज नोन एज क्वारीफेस्ड। ये बाकी तो टाइप ऑफ बाकी इसको हम प्रॉपरली ड्रेस्ड करते हैं, ड्रेस्ड स्टोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसकी जो सरफेस है, जो फ्रंट फेस है, उसमें हम रफ टूल टाइप हम इसको छोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ चिजल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एशलर रस्टेड और क्वारी फेस्ड स्टोन। है एशलर टाइप ऑफ स्टोन लेकिन रस्टेड एंड राइट क्वारी फेस्ड इसका हम शेप बना देते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एशलर रॉक और रस्टेड और क्वारी फेस्ड स्टोन। उसके बाद एशलर ब्लॉक एंड कोर्स। इन दिस टाइप ऑफ स्टोन द स्टोन्स आर ऑफ स्क्वायर्ड प्रॉपरली स्क्वायर्ड शेप ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड दैट आर कॉल्ड एज एशलर ब्लॉक एंड कोर्स। एक्चुअली ब्लॉक टाइप ऑफ स्टोन्स यूज करें तो उसको हम कहेंगे द एशलर ब्लॉक एंड कोर्स। एंड इसमें ना एशलर टाइप ऑफ स्टोन यूज होते हैं ना रबल टाइप ऑफ स्टोन, बट इंटरमीडिएट बिटवीन द एशलर एंड रबल मेजनरी। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ मेजनरी ऑक्यूपाइज एन इंटरमीडिएट प्लेस बिटवीन द रबल एंड एशलर मेजनरी एंड द स्टोन्स आर ऑल स्क्वायर्ड एंड प्रॉपरली ड्रेस्ड, इट रिजेंबल्स टू द कोस्ट रबल मेजनरी आर रफ टूल्ड एशलर मेजनरी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे होता है ना कि भाई हार्ड सॉइल या सॉफ्ट रॉक, हार्ड सॉइल या सॉफ्ट रॉक वो तकरीबन एक जैसे होते हैं, ये एक जैसे होते हैं, उनका स्ट्रेंथ तकरीबन एक जैसे होता है। सो ये टाइप ऑफ मेजनरी है ना, ये ऐसे समझो गुड, अच्छा ये लोअर क्वालिटी एशलर मेजनरी में आता है एंड गुड क्वालिटी रबल मेजनरी में आ जाएगा, गुड क्वालिटी रबल मेजनरी एंड लोअर क्वालिटी एशलर मेजनरी। तो उस टाइप ऑफ मेजनरी को हम कहेंगे एशलर ब्लॉक एंड कोर्स। ठीक है भाई, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने एशलर मेजनरी पढ़े, जिसमें एशलर फाइन था, एशलर रफ था, एशलर क्वेरी फेस्ड, ETC डिफरेंट टाइप्स ऑफ एशलर मेजनरी थे। अब देयर इज लिटिल बिट दिस स्लाइड इन विच वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्टोन एंड ब्रिक मेजनरी। स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन मेजनरी हैज हायर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्टोन मेजनरी इज एक्सीलेंट एक्चुअली। अपीयरेंस के हिसाब से हमें
स्टोन मेजरिंग में देर इज नो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, डायरेक्टली स्टोन मेजरिंग स्टोन दिखाई देते हैं, लेकिन थिक मेजरिंग में हम प्लास्टरिंग देते हैं। मॉर्टर जॉइंट्स में स्टोन मेजरिंग में थिक मॉर्टर जॉइंट्स होते हैं, प्लास्टर ब्रिक मेजरिंग में थिन मॉर्टर जॉइंट्स होते हैं, थोड़े पतले मॉर्टर जॉइंट्स होते हैं। डेंजर फ्रॉम द डैम्पनेस स्टोन मेजरिंग में नहीं होता डेंजर, लेकिन ब्रिक मेजरिंग में डैम्पनेस का खतरा होता है। फायर रेजिस्टेंस स्टोन मेजरिंग का कम है, लेकिन ब्रिक मेजरिंग का ज्यादा होता है। हैंडलिंग में हम लिफ्टिंग डिवाइसेस यूज करते हैं स्टोन मेजरिंग में, लेकिन ब्रिक छोटे साइज के होते हैं, उसके लिए कोई भी हैंडलिंग डिवाइस यूज नहीं करते। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम डायरेक्ट क्वेरी से अटेंड किए हुए स्टोन्स को प्रॉपरली ड्रेस करते हैं, या ड्रेसिंग करें या नहीं करें, लेकिन क्वेरिंग तो जरूर करते हैं। लेकिन जो ब्रिक मेजनरी है उसमें जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक मेजनरी या ब्रिक्स प्रिपेरेशन ऑफ ब्रिक इज द प्रिपेरेशन ऑफ क्ले, देन मोल्डिंग, ड्राइंग, बर्निंग, etc. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मेजनरी इज एक्चुअली मोर देन दैट ऑफ द ब्रिक मेजनरी स्ट्रक्चर। और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये आप पियर में यूज़ कर सकते हो, डैम में यूज़ करते हो, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स में यूज़ कर सकते हो, और जो ब्रिक मेजनरी स्ट्रक्चर होते हैं वो आप ब्रिक मेजनरी है वो रेजिडेंशियल एंड पब्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ कर सकते हो।